The Ram Navami procession violence that rocked Bihar Sharif looks well planned. The Bihar police has said a man has surrendered for masterminding the violence over social media. Jitendra Singh Gawar, the ADG headquarters, said that Kundan Kumar surrendered as the mastermind of this social media. Apart from this, a total of 15 FIRs have been registered in Bihar Sharif, in which a total of 140 arrests have been made. Now, according to the police, the plans to execute the violence were planned over social media under Kundan Kumar's leadership. There was a WhatsApp group created with as many as 457 people, which was formed ahead of Ram Navami, and this group was used to plot and execute the violence that then took place. Several parts of Bihar, mainly Nalanda and Rohtas districts, witnessed incidents of communal clashes and vandalism last week during the Ram Navami celebrations. अभी तक के अनुसंधान में ज्ञात तथ्यों के अनुसार कतिपय निहित स्वार्थ वाले समूहों वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा एक सोचे समझे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का कार्य किया गया, जिसमें साइबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता फैलाने हेतु भ्रामक संदेशों को प्रसारित किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फेक न्यूज और हेट न्यूज को इस माध्यमों से प्रचारित किया गया। आज छापामारी के क्रम में जो 15 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उन 5 अभियुक्तों के नाम हैं मनीष कुमार, तुषार कुमार तांती, धर्मेंद्र मेहता, भूपेंद्र सिंह राणा और निरंजन पांडे। इन अभियुक्तों के 5 से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। अब इन फोन का इस्तेमाल कंटेंट अपलोड करने के लिए किया गया था, ऐसा पता चलता है। गहन विश्लेषण इन मोबाइल फोन का और उसका विश्लेषण करने के बाद आगे बात पता चलेगी। इन 5 अभियुक्तों के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया, 15 अभियुक्तों पर एक साइबर FIR हुई है। 2 अन्य अभियुक्त, जिसमें कुंदन कुमार जो स्थानीय रूप से अपने आप को एक संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी आत्मसमर्पण एक दूसरे केस में कर दिया गया जो फिजिकल वायलेंस का है, उनके ऊपर भी एक FIR है, तो वो उस कांड से इस कांड में रिमांड किए जाएंगे। उसके अलावा एक कृष्ण कुमार आत्मसमर्पण किए हैं, उनको भी इस कांड में रिमांड किया जाएगा। डिटेल उसका प्राथमिकी में वर्णित है। संक्षेप में बताना चाहूँगा कि उसमें 456 पार्टिसिपेंट थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके 2 एडमिन, यही दोनों एडमिन कुंदन कुमार और कृष्ण कुमार, ने अभी आत्मसमर्पण किया है फिजिकल वायलेंस वाले केस में। और साइबर स्पेस वाले केस में उन 456 पार्टिसिपेंट्स का गहन विश्लेषण आर्थिक अपराध ने किया और पाया कि उसमें 14 लोगों के द्वारा इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को अपलोड किया गया, अप्रूव किया गया, फैलाया गया। तो 456 में से छानबीन करके 14 लोगों पर FIR हुई।